तो गाइस, जैसे जैसे पास आ रहे हैं, मौसम की जानकारी इस प्रकार है। मौसम खराब होते दिख रहा है, देख सकते हैं आप बारिश। तो यहाँ से घाट स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं। और बारिश एकदम फुल फ्लैश, पूरा मॉनसून ट्रिप स्टार्ट। आर यू रेडी? क्या हुआ? और काफी कंजस्टेड सा रोड है और भीड़ भी बहुत है। वॉक करने वाले लोग भी बहुत सारे हैं, गाड़ी से ज्यादा पब्लिक व्हीकल्स भी यहाँ काफी हैं और प्राइवेट व्हीकल्स वाले तो यहाँ पर काफी गजगज हैं, देख सकते हैं। तो गाइस, अभी हो रहा है 8:15 और हम रेडी हो चुके हैं माथेरन जाने के लिए। सो आर यू रेडी? यस। एंड सी द वेदर, इट्स ऑसम। देखो अतर कितना खुश है, आज उसको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी इसलिए। हेलो गाइस, आज सैटरडे और हम रोड ट्रिप पर निकले हुए हैं और आज हम जा रहे हैं। तब कहाँ जा रहे हैं बेटा? माथेरन। हम जा रहे हैं माथेरन, जो कि मुंबई के नियर बहुत ही सुंदर सा एक हिल स्टेशन है। और हम लोग पलावा सिटी से निकले हैं। यहाँ से माथेरन पहुँचने के लिए 2 आवर लगते हैं। हम लोग हमारी गाड़ी से जा रहे हैं। अगर ट्रेन से जाते हैं तो नेरुल तक ट्रेन चलती है और उसके बाद वहां से टैक्सी लेनी पड़ती है। एंड ये जो हिल स्टेशन है, मॉनसून में यहाँ वैसे टॉय ट्रेन भी चलती है, बट मॉनसून में वो बंद नहीं चलती है, बंद रहती है। एंड आज सैटरडे है, देखते हैं कितनी भीड़ और कितना ट्रैफिक मिलता है हमको। एंड जस्ट अभी निकले हैं और डेफिनेटली वहाँ पे खूब बारिश और सब मिलने वाला है, फॉग और क्लाउड्स, तो मजा आने वाला है। अथर्वा, विल हैव अ फन टुडे। एंड गाइस, देख सकते हैं वेदर मुंबई का। और अभी गूगल में दिखा रहा है 1 आवर 42 मिनट्स, 49 किलोमीटर्स है यहाँ से। एंड देखते हैं हम लोग कब तक पहुँचते हैं। गाइस, देख सकते हैं जैसे जैसे हम पास आते जा रहे हैं और यहाँ के क्लाउड्स डार्क हो रहे हैं। अच्छी बारिश मिलने वाली है हमें उधर, और यहाँ बारिश नहीं है, मुंबई से जब निकले थे तो सीधा वही मिलने वाली है, देख सकते हैं क्लाउड्स। सो गाइस, ये मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे है जो कि JNPT को कनेक्ट करेगा। यहाँ पर अभी कुछ काम होता दिखाई दे नहीं रहा है, काफ़ी टाइम लगने वाला है इसका मतलब। और ट्रैफिक भी बढ़ता जा रहा है, यानी काफ़ी लोग जा रहे हैं। और वैसे भी गूगल पे दिखा रहा है कि ट्रैफिक मिलने वाला है। तो गाइस, जैसे जैसे पास आ रहे हैं, मौसम की जानकारी इस प्रकार है। मौसम खराब होते दिख रहा है, देख सकते हैं आप बारिश बस अभी मिलने ही वाली है। और यहाँ हमारा बच्चा ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर दिया है, ये जब भी आता है कार में ही ब्रेकफास्ट करता है। एंड मजा आने वाला है। और हम लोग रेनकोट भी लेके आए हैं, उसका फुल यूज करेंगे। हाँ, और गूगल अंकल बता रहे हैं कि हमें अभी ट्रैफिक भी मिलने वाला है। यस, गूगल अंकल ने बोला है आप तैयार रहो ट्रैफिक के लिए, बारिश के लिए। और सड़कों पे पानी भरा हुआ है, देख सकते हैं। गूगल मैप अंकल ने बोला है। तो गाइस, ये है नेरल, यहाँ से नेरल स्टार्ट होता है और नेरल स्टेशन तक ही ट्रेन आती है अगर हम ट्रेन से आते हैं तो। यहाँ से माथेरन के पहाड़ दिखने लग गए और छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी दिख रहे हैं दूर से। यहाँ से बहुत सुंदर लग रहा है। सो गाइस, ये नेरल पुलिस स्टेशन, अगर आपको देखना है घूमना तो आ जाना यहाँ पे, बहुत अच्छा बनाया हुआ हिल स्टेशन के पास। बड़ा पाव खाते माथेरन का, वहाँ से हमें क्लियर झरने दिख रहे हैं। और जैसे हम ऊपर पहुँच जाएंगे हमें ये झरने नहीं दिखने वाले, बिकॉज बारिश हो गई
हाँ बारिश भी स्टार्ट हो गई है और वो झरने सारे क्लाउड से ढक जाएंगे, तो हम यहाँ रोड से ही देख लेते हैं। बरखा रानी यहाँ रास्ते में इतनी सारी बड़ा पाव की शॉप्स है, लोग यहाँ सुबह ब्रेकफास्ट में बड़ा पाव खा के तैयारी कर रहे हैं, पूरे दिन की चार्ज हो रहे हैं। ये देखिए सब लोग इस रूट पे जितने भी लोग जा रहे हैं माथेरन साइड ही जा रहे हैं, और बाइकर्स मोस्टली जाते हैं माथेरन। और रेनी सीजन में मॉनसून में ये बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन है हम सबका, चाहे कितनी बारिश हो जाते जरूर है। शायद यहाँ से घाट स्टार्ट थोड़ी देर बाद घाट स्टार्ट होने वाला है। यहाँ से देख सकते हैं व्हीकल्स, लोकल व्हीकल्स, यहाँ पे शॉप्स हैं जगह जगह बड़ा पाव और सबकी, और बारिश स्टार्ट हो चुकी है, मींस हमें पूरे दिन बारिश ही मिलने वाली है। और यहाँ से देख सकते हैं वाइब्स आ चुकी है पूरी तरह, हम माथेरन ही जा रहे हैं, हिल स्टेशन जा रहे हैं। तो एकदम बारिश भी ना साइड में जा रही है, बारिश तेज हो रही है। ये करजत की तरफ जा रही है रोड, और ये माथेरन के लिए हमने टर्न लिया है। और यहाँ आते हैं तो आप रेनकोट जरूर कैरी करें, अम्ब्रेला कैरी करें, और एक्स्ट्रा क्लोथ्स और लगेज अपने साथ कम से कम ही रखें, बिकॉज गाड़ी ले जाना अलाउ नहीं होता, हमें भी नीचे पार्क करनी पड़ेगी, तो जितना कम लगेज होगा उतना आपको इजी रहेगा वॉक करने के लिए। तो यहाँ से घाट स्टार्ट हो गया है देख सकते हैं, और बारिश एकदम फुल फ्लैश, पूरा मॉनसून ट्रिप स्टार्ट। आर यू रेडी? अब जिग जैक रोड के हम मजे लेंगे। Exactly. देख सकते हैं व्यू बहुत ही खूबसूरत है, और रास्ते में इतने सारे वाटरफॉल्स हैं, और सामने दिख रहे हैं हमको माथेरन के पहाड़ और खूब सारे वाटरफॉल्स। हम लोग यहीं से एंजॉय कर लेते हैं, बिकॉज ऊपर जाते ही सब क्लाउड से ढकने वाला है, कुछ भी व्यू नहीं दिखने वाला, तो यहीं से सब कैप्चर कर लेते हैं हम लोग। और रोड इतना जितने भी लोकल व्हीकल्स हैं, कितने लोग मतलब पहुंच चुके हैं सुबह ही, मीन्स हम लोग काफी लेट हो चुके हैं, भीड़ मिलने वाली है। और ये छोड़ के आ रहे हैं तो अपन को तो खैर वहाँ पे वो है, गाइस वैसे बारिश में बहुत प्रिकॉशंस के साथ निकलो भाई, क्योंकि रोड में काफ़ी रिस्क रहता है रोड ट्रिप करना, बट हम लोग जा रहे हैं माइंडसेट करके, अगर मौसम ज़्यादा ख़राब होगा तो सिर्फ होटल में रुकने वाले हैं, हम लोग पॉइंट्स कवर नहीं करने वाले हैं। एक्चुअली माथेरन घूमने का जो बेस्ट टाइम होता है वो मार्च टू अक्टूबर रहता है, वेदर काफ़ी प्लेजेंट रहता है, हमको विजुलाइज काफ़ी अच्छे रहते हैं, व्यूज़ दिखते हैं, बट बारिश में एक अलग ही वाइब्स आती है, एक अलग ही फील होता है, क्लाउड्स ही क्लाउड्स दिखते हैं, वो एक अलग ही ब्यूटी है। ये ट्रेन ट्रैक है, टॉय ट्रेन चलती है यहाँ पर, जो कि अभी मानसून में बंद कर देते हैं, ये अक्टूबर में स्टार्ट होगी 15th of October से, अभी ये बंद है, सिर्फ अमन लॉन्च से लेके माथेरन के बीच में चल रही है, वो ऊपर है अमन लॉन्च करके स्टेशन, नीचे से नेरुल से जो है वो नहीं चल रही, बिकॉज क्या है कि बारिश में फ्रिक्शन नहीं मिलता है इसको, यहाँ पे क्या काफी स्टिफ वो है, तो इसके लिए बंद कर देते हैं, सिर्फ जहाँ पे फ्लैट ट्रैक है बिटवीन अमर के अमन लॉन्च एंड माथेरन उसके बीच में मानसून के टाइम पे चलाते हैं ट्रेन, और वो सही भी है बिकॉज फॉर आवर सेफ्टी,
अगर आपको टॉय ट्रेन या एंजॉय करनी है तो आप थोड़ा सा मॉनसून सीजन को अवॉइड कर कर आओ, और मॉनसून सीजन में काफ़ी रिस्क भी रहता है, भीड़ भी काफ़ी मिलने वाली है, क्राउड भी रहता है, क्योंकि इट्स नियर टू मुंबई और वीकेंड पे काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, टाइम स्पेंड करने आते हैं। तो रेनकोट ज़रूर कैरी करें, अम्ब्रेला कैरी करें, फुटवियर्स ऐसे रखें जो आप आराम से बारिश में यूज़ कर सकते हैं, बच्चे साथ हैं तो एक्स्ट्रा क्लोथ्स रखें, खाने का थोड़ा सामान, और कम से कम लगेज रखें जिससे आपको आसानी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमको वॉक करके जाना है या कैसे भी लोकल व्हीकल से जाना है, तो लगेज को कम ही रखें तो अच्छा है। और काफ़ी सुंदर सुंदर पॉइंट्स हैं यहाँ पे, देखते हैं हम कितने कवर करते हैं, वेदर कैसा मिलता है उस पर डिपेंड करता है। क्या हुआ? ये फंस गई, उठी मेरी गाड़ी। तो जब आए तो गाड़ी को भी चेक करके लाएं भाई, गाड़ी की सर्विसिंग करा के लाएं, क्योंकि अगर रास्ते में अगर कुछ खराब वगैरह होती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो ये बाइकर्स काफ़ी सारे आते हैं, और ये बहुत रिस्की होता है बाइक से ऐसा स्लीपरी रोड पे घाट पे चढ़ना, तो मुझे लगता है अवॉइड ही करो, या तो आप ट्रेन से आओ या अपने प्राइवेट व्हीकल से भी, जब आप ड्राइविंग में आपको कॉन्फिडेंस है तभी आप। यहाँ से ऊपर आ चुके हैं काफ़ी, और नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है बस क्लाउड ही क्लाउड है। ऑक्सीजन रहेगी भी क्यों? ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होता है बेटा जैसे हम ऊपर पहुंचते हैं ना, कान बंद हो गए, थर के हमेशा कान बंद हो जाते हैं पूरे। बस 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 हैंड ब्रेक लगा, जैसे मैं तो इतने में ब्रेक लगा के रुक भी जाता, मेरे साइकिल से मीटर चला। अब साइकिल से आने का सोच रहे हो क्या? मैं नहीं, कोई थक जाए इतना कर कर आके, गाड़ी तो इतना पेट्रोल यूज करेगी। भाई साहब बहन के नहीं, तो पानी का भी फोर्स पड़ता ना गाड़ी पे, काफी ऊंची चढ़ाई है। और हमारी गाड़ी की सर्विसिंग भी करी हुई है, उसके बाद भी कई कई जगह ऐसा लग रहा है कि उठ नहीं रही है। यहाँ पे नेट इस तरह के लगाए जाते हैं यहाँ, जिससे लैंडस्लाइड वगैरह के लिए थोड़ा सेफ्टी रहे अगर कभी होते हैं तो। और यहाँ ऊपर आ चुके हैं और नीचे कुछ नहीं दिख रहा है सिवाय क्लाउड के, बट फिर भी बहुत ब्यूटीफुल है। अब यहाँ से देख सकते हैं कितने लोग हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। यहाँ से छतरी और रेनकोट में ही बस आपको लोग दिखेंगे गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ कितनी है। और बस अभी सुबह का कितना बज रहा है, 10 बजने वाले हैं, और 11 बजे तक यहाँ पर एकदम कुंभ का मेला जैसा लगने वाला है। सो हमको ये अमन लॉन्च पे गाड़ी पार्क करनी है नीचे ही, और हमको यहाँ से टैक्सी या देखते हैं क्या मिलता है उससे हम लोग हमारे होटल जाएंगे। और यहाँ इतनी भीड़ है ना, और गाड़ी के साथ बहुत मुश्किल है, बिकॉज प्राइवेट व्हीकल्स बहुत सारे हैं, जो लोकल पब्लिक व्हीकल्स हैं सॉरी, और ये सारे प्राइवेट व्हीकल्स हैं जो लोग अपनी गाड़ी से आए हुए हैं, और काफ़ी कंजस्टेड सा रोड है और भीड़ भी बहुत है, वॉक करने वाले लोग भी बहुत सारे हैं, गाड़ी से पब्लिक व्हीकल्स भी यहाँ काफ़ी हैं, और प्राइवेट व्हीकल्स वाले तो यहाँ पर काफ़ी गच गच हैं देख सकते हैं। और स्कूल कॉलेज के बच्चे ज़्यादा, कॉलेज के बच्चे ज़्यादा आते हैं यहाँ पर ग्रुप में। थोड़ा घूमेगा फिर जाएगा। गाइस ये जो दिख रहा है ये एंट्री टिकट लेना है यहाँ से, और भीड़ कितनी ज्यादा है यहाँ पर, तो उसके लिए भी काफ़ी टाइम लगने वाला है। और ये हम गाड़ी पार्क करने के लिए जा रहे हैं अमर लॉन्च पे, गाड़ी अमर लॉन्च तक ही आती है, गाड़ी ले जाना अलाउ नहीं है। आप भले ही ट्रेन से आए अपने व्हीकल से आए, हमको यहाँ से गाड़ी पार्क करके
यहाँ का जो पब्लिक व्हीकल है उससे जाएंगे। और ज्यादा नहीं है डिस्टेंस, अगर आप पैदल जाना चाहो तो पैदल भी जा सकते हो। कितना किलोमीटर है? 3 किलोमीटर। तो अगर आप 3 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं तो आप पैदल भी जा सकते हैं। मेहंदी की स्मेल आ रही है। तो गाइज यहाँ हमने पार्किंग के लिए पे एंड पार्क है, यहाँ पर टिकट लिया है। सामने लिखा हुआ है फॉर 2 व्हीलर इट्स 30 रुपीज, फॉर 4 व्हीलर इट्स 50 रुपीज। तो हम लोगों ने कितना दिया उसको? 150 दिया आज और कल का मिला के। अगर आप एंट्री फीस 50 और 100 रुपए, पार्किंग का पर डे 50 रुपीज। ओके, तो अगर आप यहाँ रुकते एक दिन के लिए तो 150 रुपए लगते हैं। आप लेके जाओगे गाड़ी में? पड़े हैं गाड़ी में रखकर जाने दो, आगे जाने दो। यहाँ से हॉर्स राइड भी कर सकते हो, घोड़े से ऊपर जाते हैं कई लोग। ये हॉर्सेस चल रहे हैं, हॉर्स राइड करके भी लोग जाते हैं, टैक्सीज भी चलते हैं, आप वॉक करके भी जा सकते हैं। 3 किलोमीटर ही है यहाँ से। गाड़ी आप पार्क करो वॉक करके, या फिर कोई व्हीकल या हॉर्स राइड करके चले जाओ। SNP पता नहीं हमें पार्किंग कहाँ मिलेगी। पार्किंग गाड़ी पार्क करने के लिए हम काफी अंदर तक आ चुके हैं। हमने गाड़ी पार्क कर दी है और पार्क करने में काफी टाइम लगा। 15 मिनट हमें गाड़ी पार्क करने में ही लग गए, काफी अंदर जाके पार्किंग मिली। और अभी 10:15 हो रहा ऑलमोस्ट, और बारिश स्टार्ट हो गई है।